नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गहरी नींद लेने के तरीकों पर बात करेंगे। क्या आपने लोगों के ऐसे दावों के बारे में पढ़ा या सुना है कि वे 3 घंटे की नींद लेकर भी सुपर फिट रहकर अपना काम करते रहते हैं? अगर ऐसा पढ़ा या सुना है तो आप जान लीजिए कि आपने झूठ सुना है और झूठ पढ़ा है। प्रकृति ने किसी भी प्राणी को ऐसा नहीं बनाया कि वह बिना नींद के अपना काम चला सके। नींद अनिवार्य है, सिर्फ नींद नहीं, भरपूर नींद, गहरी गाढ़ी नींद। जब तक आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, यानी विद्यार्थी का जीवन जी रहे हैं, तब तक आपके लिए 8 घंटे की नींद अनिवार्य है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद आप 1 घंटा कम कर सकते हैं, पर उससे कम नहीं। आप 6 घंटे की नींद से भी खुद को संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक ऐसा करेंगे तो शरीर भीतर से कमजोर पड़ता जाएगा, उसकी शक्ति क्षीण होती जाएगी। आपके शरीर की जो बुनियादी इकाई है, आपके सेल्स, उनके हेल्दी रहने के लिए भी गहरी तरोताजा करने वाली नींद अनिवार्य है। एक बार इन सेल्स की तबीयत बिगड़ने लगी तो आप जानते हैं, जिंदगी के पटरी से उतरने में देर नहीं लगती। नींद की क्वालिटी को आप चाहें तो खुद महसूस कर सकते हैं, खुद पता कर सकते हैं कि आपको गहरी नींद मिली या नहीं। अगर नींद से जागने के बाद भी आपको थकान लगे, दोबारा सोने का मन करे, आलस्य महसूस हो, उबासी आए, तो जान ले कि आपकी नींद सतही थी। अगर आप जागने के बाद ताकतवर महसूस करें, मन में उमंग भरी हुई महसूस करें और आप तुरंत बिस्तर छोड़कर उठ जाएं, तो समझ लें कि आपने गहरी नींद ली है। गहरी नींद ले पाने के लिए कुछ काम करने जरूरी हैं, जिनमें से 5 काम तो अनिवार्य हैं। पहला काम, सोने से 3 घंटे पहले करें रात का भोजन। आप अगर थोड़ा चौकन्ना रहकर जीना शुरू करें तो आपको हेल्दी रहने के लिए कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने अनुभवों से ही सब कुछ जान जाओगे। क्या ऐसा आपके साथ कभी नहीं हुआ कि जबकि आपने भोजन करने के तुरंत बाद बिस्तर पकड़ा हो और सुबह आंख खुलने पर पाया हो कि जैसे कि आपकी नींद पूरी ही नहीं हुई। रात भर आपका मुँह खुला रहा, सुबह गला सूख रहा था, मन में बड़ी ग्लानि हुई और कुछ देर और सोने का मन हुआ। भरे पेट के साथ सोने पर आप गहरी नींद का आनंद नहीं ले पाते। शरीर की आजी शक्ति तो खाना पचाने में लग रही होती है। एक काम करता हुआ शरीर कैसे सो सकता है? 3 घंटे पहले अगर आप भोजन कर लें तो सोने तक शरीर खाना पचा चुका होता है। अब वह नींद में जाने को तैयार है। इनर ऑर्गन्स के रूप में स्टमक, लीवर, आंतें, पेनक्रिया आदि सभी शांत होते हैं, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि सूर्य ढलने के साथ रात का भोजन हो जाए। भोजन समय पर पच जाए, इसके लिए बेहतर होगा कि आप रात को कम से कम भोजन लें। भोजन की क्वालिटी को लेकर जो नियम है आपको मालूम ही होगा। ब्रेकफास्ट किंग की तरह, लंच प्रिंस की तरह और डिनर भिखारी की तरह। दूसरा काम, शांत मन के साथ सोने जाएं। जिस तरह सोने से पहले पाचन क्रिया खत्म हो जानी चाहिए, वैसे ही तब तक सोचने की क्रिया भी नहीं रहनी चाहिए। जितना शांत मन लेकर सोने जाएंगे उतनी जल्दी नींद आएगी। अगर आप कभी कोई फिल्म देखते देखते सोए हैं तो आपने देखा होगा कि आप सो तो जाते हैं पर आपका दिमाग चलता रहता है, तब पूरी रात सपने ज्यादा आते हैं। बच्चे डरावनी फिल्म देखने के बाद अमूमन रात को डरावने सपने देखकर उठ जाते हैं। चलते हुए दिमाग के साथ गहरी स्वप्नविहीन नींद नहीं आ सकती। दिमाग को शांत करने के लिए यह कहा जाता है कि कम से कम सोने से 1 घंटा पहले हमें मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दूर रख देने चाहिए। न सिर्फ यह, गहरी नींद को आमंत्रण देने के लिए हमें बेडरूम में रोशनी भी कम कर देनी चाहिए। सूर्य अस्त हो जाने के बाद हमारे शरीर में मेलाटोनिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। हम अगर उजाले में बने रहेंगे तो यह हार्मोन रिलीज नहीं होगा और नींद में विघ्न बाधा आएगी। तीसरा काम, सोने से पहले सुने 432 हर्ट्ज का मेडिटेटिव संगीत। क्या आप जानते हैं कि हर वस्तु की एक आवृत्ति, एक फ्रीक्वेंसी होती है?
ब्रह्मांड की भी एक फ्रीक्वेंसी है जिसे हम पृथ्वी की धड़कन भी कह सकते हैं, 432 हर्ट्ज। अगर आप इस आवृत्ति, इस फ्रीक्वेंसी के किसी संगीत को सुनते हैं तो आपको सहज ही अच्छा लगता है, आपके मानसिक तनाव दूर हो जाते हैं, और ठीक वैसे जैसे एक बच्चा माँ की थपकियों के बीच उसकी गोद में सो जाता है, आप भी इस आवृत्ति का संगीत सुनते हुए पृथ्वी की धड़कन के साथ एक होकर उसकी गोद में सो जाते हैं बच्चे की तरह। मेडिटेशन को सपोर्ट करने के लिए इसी आवृत्ति पर संगीत बनाया जाता है। अगली बार जब भी कभी आपको सोने में दिक्कत आए तो आप इसे आजमा सकते हैं। किसी भी मेडिटेटिव म्यूजिक को सुनेंगे तो आप जल्दी गहरी नींद में चले जाएंगे। चौथा काम, सोने से पहले करें कुछ आसन और प्राणायाम। सोने से पहले अगर आप कुछ बेसिक आसन करें और उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करें तो तन और मन दोनों बहुत शांत हो जाते हैं, और इस शांति के साथ उन्हें गहरी नींद में ले जाना आसान हो जाता है। आसनों में लेटकर करने वाले आसन आप ट्राई कर सकते हैं। आप यष्टिकासन से शुरू कर सकते हैं, सीधे लेटकर कमर से नीचे के शरीर को नीचे और कमर से ऊपर के शरीर को ऊपर की ओर खींचिए। इससे पूरे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है। आप सुप्त वक्रासन कर सकते हैं, भुजंग आसन और शलभ आसन भी कर सकते हैं। ये आसन करने के बाद आप कपालभाति और अनुलोम विलोम कर लें। प्राणायाम सीधे हमारे मन पर असर डालता है। दिन भर आपको कितना भी स्ट्रेस एंजाइटी रहा हो, सोने से पहले उन्हें बाहर फेंकना जरूरी है। अनुलोम विलोम तुरंत आपके स्ट्रेस को गायब कर देगा। यह भी सुनिश्चित करें कि आप आसन करते हुए अतिरिक्त जोर नहीं डालें, बल्कि सहज ही मुस्कुराते हुए सभी आसन करें। अनुलोम विलोम के बाद आप भ्रामरी प्राणायाम करें और बाईं करवट लेट जाएं। पेट और पीठ के बल न सोएं तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि इन पोजीशंस में सोने पर गहरी नींद नहीं आ पाती। सोते हुए हाथ कभी छाती पर भी न रखें। गृहस्थी के लिए बाईं करवट को उचित बताया गया है, जबकि योगी स्वभाव के लोग खुद ब खुद दाईं करवट लेकर सोने लगते हैं। पांचवा काम, सोने से पहले नहाएं, पानी न पिएं। एक स्टडी में यह पाया गया कि सोने से लगभग 90 मिनट पहले अगर आप शावर लेते हैं तो इसका आपके शरीर पर अच्छा प्रभाव पड़ता है और आप सहज ही गहरी नींद में जा पाते हैं। इस तथ्य का सत्य जानने के लिए बेहतर होगा कि खुद प्रयोग करके देखें। कुछ दिन लगातार रात को स्नान करके सोएं, ऑब्जर्व करें कि इससे नींद की क्वालिटी पर क्या फर्क पड़ रहा है। सूर्यास्त के बाद चाय कॉफी न लें, क्योंकि कैफीन नींद में बाधक होती है। सोने से ठीक पहले ज़्यादा पानी न पिएं, क्योंकि यह आपकी गहरी नींद में जाने में बाधा पैदा कर सकता है। सोते हुए किडनी पर ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। हेल्दी नींद के लिए ये पांच काम तो करें ही, लेकिन यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपने बेडरूम में सोने के लिए ही जाएं। दिन में जितना आप रोशनी में रहेंगे और रात में जितना रोशनी से दूर रहेंगे, आपकी नींद पर उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नींद में जाने के लिए भी प्रकृति ने समय नियत किया हुआ है। रात के दूसरे और तीसरे पहर यानी लगभग 11 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक की नींद सबसे ज़्यादा गहरी और तरोताज़ा करने वाली होती है। इसलिए कोशिश करें कि इस ड्यूरेशन के बीच आप हरगिज अपनी नींद को मिस न करें। नींद में जाने का समय अगर नियत होगा, फिक्स होगा, तो नींद में जाना और आसान हो जाएगा। याद रखें कि हेल्दी नींद ही आपकी हेल्थ का सबसे बड़ा मापदंड है, और यही दूसरे कामों में आपकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी भी है। नींद की जरूरत के साथ हरगिज कोई समझौता न करें। शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास को हर आयु वर्ग तक पहुंचाने के माइंड फिट के लक्ष्य में अपना योगदान दें। वीडियो अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों और करीबियों से ज़रूर शेयर करें, ताकि वे अपने स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल कर सकें।